अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसाना की किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है सैगो सैलेड ड्रिंक। ये बहुत ही एनर्जी वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद है और रमज़ान के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इफ्तारी के टाइम पे हम इसे बनाएंगे तो पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये गर्मी से हमें बचाता है। तो आप लोग ज़रूर बना के इसे ट्राई करना। चलो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने साबूदाना ले ली हूँ, ये देखिए ये इस तरीके का दिखता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और इसको मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दी थी, तो ये भीग के इस तरीके का हो गया है। अब इसे हम बॉईल कर लेंगे जब तक का ये ट्रांसपेरेंट जैसा ना दिखने लगे। साबूदाना अच्छे से पक के रेडी हो चुका है और ट्रांसपेरेंट जैसा भी हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम छन्नी में छान लेंगे। अब हम जेली बना लेंगे। जेली बनाने के लिए मैंने 1.5 कप पानी ले ली हूँ। अब जेली के पानी में हम जेली को ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ली हूँ मैंने, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। और अच्छे से हम मिला लेंगे। जेली बनके रेडी हो गई है। अब इसे हम किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडे होने के लिए हम रख देंगे। 1 लीटर मैंने दूध ले ली हूँ, ये ऐड कर देंगे। मीठे के लिए मैंने शक्कर ले ली हूँ। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। मैंने शक्कर को पीस ली थी कि जल्दी से मेल्ट हो जाए इसके लिए। अब इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे कलर के लिए, अच्छा कलर आएगा इससे बहुत ही। मैंने 2 टेबल स्पून ली हुई है भर के। दो चम्मच रूह अफ़ज़ा और ले लेंगे क्योंकि कलर कम लग रहा है इसके लिए। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने छन्नी में रखे थे। इसको और अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छा ड्रिंक है ये पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, साबूदाना भी। तो आप लोग भी ज़रूर बना के पीना और इससे एनर्जी भी बहुत अच्छी आती है। जेली देखिए अच्छे से सेट हो चुकी है, फ्रिज में मैंने इसे रखी थी 5 मिनट के लिए। अब इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। कितनी अच्छी जेली बनके तैयार हुई है देखिए। जेली पे मेजर अच्छे से लिखा हुआ रहता है, जेली के पैकेट पे कितना पानी लेना है, कैसे बनाना है। ये देखिए किस तरीके से कितनी बढ़िया जेली बनके हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने ग्रीन वाली भी जेली बनाई थी, देखिए सेम तरीके से बिल्कुल। और इसे मैंने प्लेट में करी हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी ये भी सेट हो गई है। इसे भी हम अपने ड्रिंक में ऐड करेंगे। अब जेली को हम इसमें ऐड कर लेंगे, देखिए कितनी अच्छी जेली कलरफुल।
ग्रीन वाली भी डाल लेंगे हम। ये देखो फ्रेंड्स, रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।